कि ये कॉर्नर मुझे बहुत पसंद है। ये जाने के 3 लीटर वाला है, तो कोई थोड़ी चीज करनी है तो आप इसमें कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड पकोड़ा ब्रेड। हाँ, मुझे भूख लग रही है बहुत सख्त। प्रेशर कुकर के रिव्यूज बहुत अच्छे थे अमेजोन पे। अमेजोन का लिंक दे दूंगी, उसपे आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्योंकि मैं अब अमेजोन पे काम करती नहीं हूँ, आपको पता है, मैं छोड़ दिया हुआ। बारह लिंक में दे दूंगी। तो ये जो है ना 157 या 167 का था दिरहम्स का, लेकिन ये डबल प्रेशर कुकर है, दो हैं, एक लिड है, ठीक है, और इसके साथ में ये जो है ना सीटी, ये भी आई थी, और ये दो हैं, ये 7.5 लीटर वाला है ये, और ये जो है ना ये 3 लीटर वाला है। तो कोई थोड़ी चीज करनी है तो आप इसमें कर लें, कुछ ज्यादा करनी है तो इसमें कर लें। पहले जो मेरे पास था मुझे उसका नहीं पता था क्या साइज है, वो जब मैंने जाके शॉप्स पे भी देखे उनपे तो बहुत ज्यादा प्राइसेस है, इसलिए मैंने ऑनलाइन मंगवाया। तो शॉप्स पे देख के मुझे अंदाजा हुआ कि जो मेरे पास था वो 10 लीटर था। अल्लाह माफ कर, इतना बड़ा उसमें पूरा नहीं आता है सिंक में सही से। अच्छा, साथ में ये आई थिंक बॉयल वगैरह करने के लिए, तो खैर साथ में कैटलॉग है, इसको मैं पढ़ लूंगी, तो ये तो हो गया डन। आज मैंने बच्चों को छुट्टी कराई हुई है क्योंकि तिहामी जो है ना वो यहाँ पे पास में कस्बा है, तो साइकिलिंग करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। इसके स्कूल के फ्रेंड्स भी इसके पास पास बिल्डिंग्स में ही रहते हैं, और एक तो इसकी बिल्डिंग में ही रहता है, तो ये लोग ना अक्सर शाम में जाते हैं यहाँ पे कस्बा में, मौसम अच्छा है आजकल, तो साइकिलिंग वगैरह करते हैं ये लोग। तो तिहामी बड़ी जोर से गिरे, उसने पूरा अपना घुटना छीन लिया, ट्राउजर उसका घुटने सारा फट गया, बड़ा बुरा हाल हो गया। तो आज मैं उसको छुट्टी कराई, उसकी वजह से मिशी को भी छुट्टी करा ली है, तो उनके लिए बनाने लगी हूँ नाश्ता। और आज तो मेरा बर्थडे भी है, तो इसी खुशी में छुट्टी करा ली, और सारे घर के काम मैंने करने हैं, बर्थडे पे निपटाने हैं, खाना मैं बच्चों की छुट्टी की वजह से मजे का बनाऊंगी, और अपने बर्थडे की वजह से, तो वो सारा कुछ आपको दिखाऊंगी टाइम वेस्ट किए बगैर। चलिए शुरू करते हैं नाश्ता। ये बहुत क्विक सी रेसिपी है और बच्चों को नाश्ते में बहुत पसंद आएगी, इवन आप बच्चों को ये लंच में भी दे सकते हैं। मैं इसको अवन में बना के दिखाना चाह रही थी आपको, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बहुत सारे हैं जो ऑलरेडी कह रहे होते हैं कि तवे पे भी बना दें, और मैं बहुत सारी रेसिपीज़ अवन में बनाती रहती हूँ, तो चले मैं ये ना तवे पर बना लेती हूँ तो मैं डिफ्रेंस भी बता दूँगी जो अवन में करना चाहेंगे। तो मैंने ना ब्रेड के सारे किनारे काट दिए, और उसके बाद अच्छी तरह से उसको मैंने प्रेस कर दिया, बेल लिया अच्छे से। तो ये देखें कि साइज़ में जो है ना, मतलब बड़ी हो जाए ब्रेड, इतनी फ्लैट कर लेनी है आपने। और ये बचे कुछ सारे चीज़ ला रही हूँ, वो फ्रीज़र में से भी अब मैं चीज़ें खाली कर रही हूँ। जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, जो जो चीज़ें लाती हूँ फ्रीज़र में ठूंसती जाती हूँ, और जो पेंट्री कैबिनेट है उसमें भी डाले जाती थी, तो अब बस खाली कर रही हूँ कि मैंने क्या शुरू किया हुआ था काम, मतलब वो लेज़ी औरतों वाले काम बहरहाल। तो ये मैंने चीज़ निकाला, उसको बोल में डाल लिया। अच्छा, ये जो ब्रेड है ना, इसके एक साइड पर मैं लगा रही हूँ नटेला। आप कोई भी जैम या हनी या कोई भी चीज़ आपने इसमें फिलिंग करनी है, इवन अगर आपने कोई इसमें चिकन वगैरह की फिलिंग करनी है वो भी आप कर सकते हैं। कोई आपके पास सालन पड़ा हुआ है उसमें से चिकन के पीसेस निकाल के, तो वो आप छोटी छोटी बोटियां करके ना, तो वो डाल सकते हैं। बस अब इनको हम ट्रायंगल की शेप दे देंगे, जो बाकी का ट्रायंगल पार्ट था इसको फोल्ड कर दिया और फॉर्क की हेल्प से प्रेस कर दूंगी। जब आप इसको ब्रेड को बेलेंगे ना, तो बस आपने फिर फटाफट से काम करना है, क्योंकि फिर ये ड्राई, आपको पता है ब्रेड का स्लाइस बाहर रखें तो साथ ही ड्राई भी होने लग जाता है, फिर मुश्किल हो जाता है ज़रा। खैर, लेकिन अगर आपको लगे कि ब्रेड खुल रही है तो थोड़ा सा आप पानी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको फॉर्क की हेल्प से प्रेस कर करके तो किनारे इसके जोड़ लें। अच्छा, मेरा इनिशियली प्लान था कि मैं ना ये बटर या मार्जरीन जो भी आपके पास हो वो लगा के, और उसके बाद इसके ऊपर चीनी डाल के ना, तो फिर आप इसको रख देते हैं जी एयर फ्रायर में या अवन में, फटाफट से आप 200 डिग्रीज पे इसको 3 से 4 मिनट के लिए बेक करते हैं, और शुगर ऊपर से ब्राउन हो जाती है, बटर सिजल करने लग जाता है, और क्रंची से ये ब्रेड बनती है, क्या मज़ा आ जाता है, और अंदर चीज़ मेल्ट हो रहा होता है। तो इनिशियली तो मेरा वो प्लान था, फिर मेरा माइंड चेंज हुआ कि नहीं, मैं इसे तवे पे बनाती हूँ। तो तवे पे अगर आप बना रहे हैं तो फिर ये बटर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, या ज़रूरत है भी, दूसरी साइड पे आप फ्लिप कर लें तो बटर वाली साइड भी ज़रा वो हो जाएगी ब्राउन सी। तो मैंने इसके ऊपर ना फिर क्या किया कि ये डाल दिया मोज़रेला चीज़, क्योंकि बटर और शुगर मैं डाल दूँगी ना, तो इसी तरह अगर मैं फिर फ्लिप करूँगी तो वो शुगर ब्राउन हुई भी ना तवे पे यानी पैन में बहुत बुरी लगेगी। तो इस वजह से मैंने इसके ऊपर चीज़ डाल दिया, और इसको मैं कवर कर दूँगी, और जब चीज़ मेल्ट हो जाएगा तो बस ठीक है। ऊपर से फिर ब्राउन करना आपको पता है ज़रूरी नहीं होता, ये चीज़ कुक्ड होता है, ये तो आप ऐसे ही पकड़ के खा सकते हैं। तो बहरहाल जी, नीचे से थोड़ा ब्राउन हो गया, क्रंची सा हो गया, बस वही काफ़ी है।
आजकल मिशारी का फेवरेट फ्रूट ऑरेंज है, या किन्नू कोई भी मिल जाए उसको, और तिहामी के कीवीज हैं, कीवी में उसे गोल्डन कीवी मिल जाए तो ज़्यादा खुश हो जाता है, नहीं तो ग्रीन वाला। साथ में मैंने आमंड्स रख दिए हैं और टोस्टेड आमंड्स हैं, और बस बच्चों का ब्रेकफास्ट डन हो गया। हैव टू फाइंड आउट। ओह माय गॉड, वो देखिए कैसे चेंज बन रही है। वो तो मम्मी तो बड़े मजे का है। हाँ अच्छा मजे का है, ये बहुत मजे का है। सिट 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 अनीट, इट्स ओके। इट्स ओके इट्स ओके। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। डिड यू लाइक बर्थडे बर्थडे ब्रेकफास्ट? हाँ जी, बर्थडे ब्रेकफास्ट। बड़ा मजे का है मम्मा ये। थैंक यू। Happy birthday to Queen Osh. 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 अपने लिए भी आज मैं स्पेशल सा ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ। जाहिर है मेरा बर्थडे है, तो जो मेरा दिल कर रहा था कई दिनों से, तो मैंने सोचा कि चलो बनाते हैं। बेसन थोड़ा सा वैसे भी पड़ा हुआ ही था, जो मैंने बैंगन के पकोड़े बनाए थे ना, तो उनका लेफ्ट ओवर ना, नहीं पड़ा होता तो मैंने फ्रेश बना लेना था। इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा नमक, लाल मिर्चें, और थोड़ा सा आई थिंक हल्दी भी डाली होगी, गर्म मसाला, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला, और ये सब चीज़ें डाल दी। और इसके ये चूँकि लेफ़्ट ओवर था ना, तो इसमें साबुत ज़ीरा और अजवाइन ऑलरेडी मिक्स हुई हुई थी, चिली फ्लेक्स में मिक्स हुए हुए थे, तो बाकी चीज़ें मैंने ज़्यादा ज़्यादा डाल दी हैं क्योंकि मुझे चटपटा करारा सा चाहिए। साथ साथ मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ क्योंकि है मेरा बर्थडे, तो बर्थडे विशेज़ वगैरह साथ साथ निमट रही हैं। और इसमें ना मैं डालूंगी प्याज और हरी मिर्च। और प्याज तो ये इतना तेज़ था, वाइट प्याज ना, ज़्यादातर इसको स्वीट अनियन कहते हैं, तो ये लगता नहीं होता, लेकिन पता नहीं ये क्यों इतना तेज़ था। वैसे एक बात है, बर्थडे पे ना अब खुशी तो होती है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने इतनी ज़िंदगी दी, लेकिन अब साथ साथ ना एक टेंशन सी भी होती है कि जिम्मेदारियां पूरी पता नहीं कर पाएंगे या नहीं, पता नहीं कितनी ज़िंदगी है कितनी नहीं, और बच्चों के लिए कुछ कर पाएंगे या नहीं, आखिरत के लिए कुछ कर पाएंगे या नहीं। तो यकीन करें अब आगे बर्थडे पर मिक्स फीलिंग्स होती हैं, क्योंकि जब जब बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, तो ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हो रही हैं। वो दिन और थे कि जिसमें बर्थडे पर ऐसे लगता था कि सारी दुनिया को बस सेलिब्रेशन मोड में आ जाना चाहिए क्योंकि मेरा बर्थडे है, अब वो टाइम नहीं रहा। एनीवेज मैंने बेसन में डाले हैं प्याज और साथ में हरी मिर्चें, और इसको मैंने मिक्स कर लिया। ये हमने मिक्सचर ऐसा बनाना है कि इसमें बिल्कुल भी लिक्विड सा बेसन ना रहे। तो ये देखें प्याज ही प्याज हैं, और ये अनियन पकोड़े हैं, अनियन ब्रेड पकोड़े, और बहुत बहुत मज़े के बनते हैं। बस सिर्फ ये है कि ये थिक लेयर होती है ना बेसन की, तो आपको ज़रा हल्के फ्लेम पर करना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि बेसन जो है ना वो थोड़ा सा कच्चा सा रह जाए। अच्छी तरह से मैंने इसको एक साइड पर लगा दिया। This is called pakoda bread. हाँ, मुझे भूख लग रही है बहुत सख्त। हल्का सा मैंने ऑयल स्प्रे किया पैन में, और इसके ऊपर मैंने एक साइड रख दी है जिस पे लगाया था बेसन, अब दूसरी साइड पे लगा लूँगी। और बहुत मज़े के बनते हैं वो, तो ऑब्वियसली पकोड़े तो होते ही मज़े के हैं, लेकिन ये गिल्ट फ्री वाले पकोड़े हैं, और डीप फ्राई तो हम कर ही नहीं रहे। वैसे ये डीप फ्राई होंगे भी नहीं, ठीक है, उसके लिए आपको फुल कोटिंग करनी होगी, और इसमें तो प्याज बहुत ज़्यादा है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो मैं नहीं कह सकती कि ये उसमें खुल नहीं जाएंगे डीप फ्राई में, इसलिए बेहतर है कि ना ही ट्राई करना। तो इसको इस तरह से आप पैन में बना सकते हैं, तो बहुत मज़े के, हल्की आग पे बनाइएगा ताकि ये अंदर तक ना बेसन पक जाए, क्योंकि ये बेसन की लेयर ना थिक होती है, और ये बहुत बहुत टेस्टी होते हैं। अंदर ब्रेड सॉफ्ट होती है ना, तो बड़ा मज़ा आता है खाने का, और वो भी केचप से गरम गरम पकोड़े। तो ये हो गया रेडी, और बस अब मैं भी अपना नाश्ता इंजॉय करूँगी, स्पेशल बर्थडे ब्रेकफास्ट, और उसके बाद फिर मैं लग जाऊँगी लंच बॉक्स, जो पिकनिक बॉक्सेस हैं वो बनाने के लिए। अभी मैं फ़िलहाल आपके मैसेजेस चेक करूँगी, क्योंकि मैंने पोस्ट लगाई थी बर्थडे की, तो उसी दिन की ये बात है, और आप सबके मैं कॉमेंट्स जो है वो पढ़ रही थी। थैंक यू सो मच आपकी बर्थडे विशेज़ के लिए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, आबाद रखें, आमीन। आ जाएं आप भी मेरे बर्थडे पे मेरे साथ नाश्ता कर लें, और इन्जॉय करें गरम गरम अनियन ब्रेड पकोड़े। ये थे हामी के घुटने का हाल हुआ हुआ है, सारा घुटना छिलवा के आ गया, और एल्बो भी दिखाओ, उस दिन तो खून नहीं कर रहा था इस वाले से खास तौर पे, अब तो काफ़ी ठीक हो गया। एल्बो भी दिखाओ, ये पूरा का पूरा गिर गया है। और ये सामान आ गया शहजाद की तरफ से बर्थडे का, और ये स्टोरी आपको शहजाद ही बताएंगे। और एक गिफ्ट ये भी आया हुआ है, और मैंने ऑनेस्टी के साथ देखा नहीं है कि इसमें क्या है,
और ये शहजाद लेके आए हुए हैं और मैं शाम को देखूंगी। और एक और है जो हफ्ते डेढ़ के बाद पहुंचेगा, सो इसको भी मैं बगैर देखे ऑनेस्टी के साथ, क्योंकि अभी मुझे टेबल यहाँ से हटानी है और मैं बताती हूँ क्यों, इसको मैं बगैर देखे यहाँ रख देती हूँ और मैं उसी वक्त ही इसको देखूंगी जब शहजाद आएंगे। ये है एंट्रेंस, यहाँ पे हमने ये शूज़ रखे होते हैं, वहाँ से कैमरा पड़ा हो ना तो ये आपको सामने नज़र आते हैं और वैसे वाकई अनप्लेजेंट लगते हैं देखने में ना, आंखों को अच्छे नहीं लगते। और ये हमारे शू रैक्स हैं, ये शहजाद का शू रैक है और ये मेरा शू रैक है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि ये शू रैक ना यहाँ रख दिया जाए जिसकी वजह से ना ये सामने शू रैक नज़र आएगा और वो डिसेंट लगेगा, ये जगह से गंद जो है ना हट जाएगा। तो अभी मैं ये कर लेती हूँ। ये जो एंट्रेंस डोर है ना, इसकी जो दूसरी दीवार है, एक तो आपको नज़र आ रही है, दूसरी जो दीवार है ना वहाँ पे बाथरूम बना हुआ है और बाथरूम के बाहर एक चप्पल रखी हुई है बड़ों वाली और एक मिशी के लिए चप्पल रखी हुई है। तो अब उसके साथ ही ये जूते रखे तो जा सकते हैं, लेकिन फिर क्या होगा कि वो जो हमारी लॉबी है ना वहाँ पर सोफ़ा पर बैठे हुए जूते ही जूते नज़र आएंगे कि जो मुझे पसंद नहीं है। यहाँ पर ज़्यादातर क्या होना चाहिए कि जो बाथरूम की भी जो चप्पल है ना वो बाथरूम के अंदर पड़ी हो, तो लेकिन ये वाला बाथरूम इस तरह से बना हुआ कि दरवाज़ा खुलते ही ना एक साइड पे तो दीवार है और दूसरी साइड पे ना मतलब बैक ऑफ द डोर है और दूसरी साइड पे बिल्कुल साथ में सिंक है, तो उसके नीचे घुस के चप्पल नहीं पहनी जा सकती, तो बाहर ही रखनी पड़ती है। सो वो एक ही काफ़ी है, वरना मतलब वो यानी मुझे इसको इस लॉबी में ही रखना है। खैर, तो ये जो शू रैक है मैंने सोचा था कि मैं इनको भी बस जान छुड़ा लूँगी इनसे, लेकिन मैंने फिर होम बॉक्स से लिए हैं सऊदी अरब से और मैंने रिसेंटली इनकी प्राइस देखी थी, आई थिंक फ्यू मंथ्स बैक, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन ये 300 से प्लस प्राइस थी और मैं हैरान होगी कि शहजाद हमने 700 के दो शू रैक्स रखे हुए और मैं इनको कुछ समझती नहीं हूँ कि बस मैंने जान छुड़ानी है, मैंने कोई और शू रैक्स लेने, तो खैर इसलिए हमने इनको रखा हुआ है और इनको हम कहीं पर नहीं जाने दे रहे हैं। असल में ना हम चारों को शूज़ का बहुत शौक है, तो शूज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं चाह रही थी कि शू रैक जो है ना मतलब एक इस तरह से अरेंज किया जाए कि जो बाहर वाले शूज़ हैं ना उनको भी रैक में रख दें, बट इट्स ओके, इस तरह ही ठीक है, अगेन हमने ही रहना है, किसी को क्या है। अच्छा, तो ये मैंने इसके ऊपर एक ना फ्लावर्स भी रख दिए हैं और साथ में मैंने ये फ्रेग्रेंस है ये भी रख दी है, और पहले सोचा था कि टेबल रनर रख दूँ कोई या फिर कोई मैट वगैरह रख दूँ, लेकिन ये इसी तरह से मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, तो इसके ऊपर मैं कुछ कुछ भी और नहीं रखूँगी। तो आप भी बताना अब आपको ये लुक कैसी लग रही है, अब किचन में से अच्छी लुक अच्छी लग रही है ना। ये कॉर्नर मुझे बहुत पसंद है, और एक ये कॉर्नर, ओ ये कौन है कॉर्नर में खड़ा, ये बर्थडे वाली चीज़ें भी मैं टेबल पे सेट कर दूंगी और ये आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अब मैं जाके लंच की तैयारी करने लगी हूँ और वो बर्थडे व्लॉग शाम का पार्ट होगा, तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।